भोजपुरी सुपरस्टार गुंजन सिंह जो नवादा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर दिल्ली में इस वक्त बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे और वो बीजेपी के टिकट पर नवादा से लोकसभा सीट का जो है वो चुनाव लड़े। अब भारतीय जनता पार्टी से वो टिकट की ललक में दिल्ली में तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर उनको टिकट नहीं देती है तो नवादा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है और बीजेपी के हाथों में वहां हार नजर आ सकती है। क्योंकि आपको पता है कि गुंजन सिंह मगही के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और नवादा लोकसभा पूरा मगध क्षेत्र है और वहां पर उनका जिस प्रकार से वर्चस्व है उसको देखते बनता है। कई महीनों से भोजपुरी सुपरस्टार गुंजन सिंह अपने लोकसभा क्षेत्र में एक्टिव है, तमाम गरीब गुरबा मजदूर किसान घर के द्वार पर जा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि नवादा का बेटा ही नवादा का सांसद बनेगा और वो कह रहे हैं कि मैं टिकट लेकर आऊंगा और इसके बाद मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन साथ में गुंजन सिंह यह भी कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और चुनावी रण में कूद कर खेल जरूर बिगाड़ देंगे और खेल बिगाड़ेंगे नहीं बल्कि खेला कर सकते हैं। अब खेला कैसे होगा वो हम आपको बताएंगे और अगर हम आपको आंकड़ों के साथ पिछले दो लोकसभा चुनाव के बारे में बताएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता और दिग्गज नेता गिरिराज सिंह को नवादा से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था और उन्होंने राजबल्लभ यादव के खिलाफ जो है चुनावी मैदान में उतरकर सबको जो है चौंका दिया था। और तब 2014 में राजबल्लभ यादव चित प्रतिद्वंदी थे उनके और इसके बाद 3,90,000 वोट जो है वो गिरिराज सिंह को मिला था, भारतीय जनता पार्टी को मिला था। यानी 2014 के लोकसभा चुनाव में गिरिराज सिंह को नवादा लोकसभा सीट से 3,90,248 वोट मिले थे और उन्होंने राजबल्लभ यादव को 1,40,157 वोटों से हराया था। यानी बीजेपी और राजद के बीच में गजब की टक्कर थी और गिरिराज सिंह जो दिग्गज नेता है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो जीते थे लेकिन जो जीत का मार्जिन था वो 1,40,000 का ही था। इसके बाद 2019 में फिर से लोकसभा चुनाव आता है और भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए अलायंस है वो एलजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह की जगह जो है भारतीय जनता पार्टी चंदन सिंह को मौका देती है। 2019 में जब चंदन सिंह चुनावी मैदान में उतरते हैं तो राजद की तरफ से विभा देवी जो है उनकी चित प्रतिद्वंदी होती है। इसके बाद वहां पर 4,95,685 वोट मिलता है चंदन सिंह को, कितना वोट 4,95,685 वोट मिलता है, बल्कि विभा देवी को 3,47,612 वोट मिलता है और जो जीत का मार्जिन होता है वो लगभग 1,48,072 वोटों का होता है। यानी चंदन सिंह जो है 2019 का जो लोकसभा चुनाव होता है उसमें जो उनके जीत का मार्जिन होता है वो 1,48,000 से 2019 के लोकसभा चुनाव को जीत जाते हैं। अब इसी को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर 1 से 1.5 लाख वोट कोई आकर वहां पर काट देता है तो वहां पर वो इंसान खेला कर सकता है और बीजेपी के साथ बड़का खेला हो जाएगा। और गुंजन सिंह जिस प्रकार से पिछले कई सालों से नवादा में घूम घूम कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर सहयोग और मदद कर रहे हैं, वो इस बात का दावा कर सकते हैं और वहां की उनकी पब्लिक अगर उनका साथ देती है तो वो निर्दलीय 1 से 1.5 लाख वोट लाकर जो है वो खेला कर देंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी में खेला करने के लिए सिर्फ 1 और 1.5 लाख के वोटों की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी अगर गुंजन सिंह को टिकट नहीं देती और वो निर्दलीय चुनावी मैदान में कूदते हैं और अगर उनको अमूमन 1 से 1.5 या 2 लाख के बीच में वोट मिल जाता है तो वहां पर वो बड़का खेला कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी को वहां पर करारी शिकस्त मिल सकती है। क्योंकि आपको पता है कि जब 2014 में चुनाव हुआ तो गिरिराज सिंह जो है वो 1,40,000 वोटों से जीतते हैं, जो चंदन सिंह 1,48,000 वोटों से जीतते हैं और उनकी सीधी लड़ाई राजद से रहती है और वहां पर तीसरा जो प्रत्याशी रहता है वो दूर दूर तक नजर नहीं आता है। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी इंडिया की और एनडीए की, एनडीए और इंडिया अलायंस की दोनों की सीधी सीधी टक्कर होने वाली है राजद और बीजेपी की। और तीसरे प्रत्याशी के रूप में अगर गुंजन सिंह वहां पर चुनावी रण में ताल ठोकेंगे तो तीसरा प्रत्याशी इस बार मजबूत होने वाला है और इसके बाद गुंजन सिंह जो है वो खेला कर सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए, उनको इन तमाम चीजों को अपने सूत्रों के हवाले से खबर लगवाना चाहिए, वहां पर उनको जो है आंकड़ों के साथ वहां पर मुआयना करवाना चाहिए, सर्वे करवाना चाहिए कि आखिर गुंजन सिंह को वहां से टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए और अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को क्या क्षति होगी। लेकिन ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि 2024 में नवादा लोकसभा सीट से गुंजन सिंह जो है वो चुनाव लड़ेंगे।
निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, बीजेपी के टिकट पर भी लड़ सकते हैं। बीजेपी ने भरोसा नहीं जताया तो निर्दलीय दांव अजमा सकते हैं, दावा ठोक सकते हैं, और अगर वो निर्दलीय लड़े तो भारतीय जनता पार्टी का जो है वो गेम ओवर हो सकता है।